अफ्रीका का भारतीय वजीर दाखिला अमिशा के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा। लोकसभा पहली बार जनवरी 2019 में CAB को पास किया था, लेकिन एहतजाज की वजह से हुकूमत ने इसे वापस ले लिया था। बैनुल अक्वामी मजहबी आजादी पर अमरीकी कमीशन ने राज्यसभा तरमीमी बिल की मंजूरी पर भारत के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अहम क्यादत के खिलाफ पाबंदियों की तजवीज पेश की है। बयान में कहा गया कि असल में अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल मुतारिफ करवाया था, जो गैर मुस्लिम तारकीन वतन को खारिज करने के बारे में एक इशारा है, जिसमें शहरियों को शहरियत देने से इनकार किया गया था। कमीशन ने खदशा जाहिर किया कि असम में जारी कौमी रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन NRC अमल और मुल्क की NRC के साथ मिलकर हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदुस्तानी शहरियत के लिए एक मजहबी खाका तश्कील दे रही है, जिससे लाखों मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया जाएगा। लोकसभा ने पहली बार जनवरी 2019 में CAB को पास किया था, लेकिन एहतजाज की वजह से हुकूमत ने इसे वापस ले लिया था। BJP ने मई 2019 में इंतखाबी कामयाबी से कबल जारी करदा मंशूर के एक हिस्से के तौर पर CAB की मंजूरी को भी शामिल किया था।